बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो खुशामदीद। दोस्तों आज दी जड़ी वीडियो आ एक दोस्त आ उकाड़ा दे भाई विकास साहब, ए उन्होंने पूछा सी कैफेटेरिया का बिजनेस करना चाहते हो बैरी ना के, तो बारे अज की वीडियो भाई उन्होंने को सवाल पूछते हैं। तो एक दोस्त होर आने पूछा सी स्क्रैप की दुकान के बारे, अज उन्होंने बारे सवाल आता, तो इंशाल्लाह ताला तुहानू भाई उन्होंने को मालूम लैके पूरी दिंदे आ। साडे नाल रहो, वीडियो जी अच्छी लगे उन्होंने लाइक करना, चैनल में सबसक्राइब करना। तो चलो हम शुरू कर दें वीडियो आज दी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम। हां जी सुकंदर साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई जी, तुसी सुनाओ की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्स्ट क्लास बेहतरीन। ओके भाई जी, आज एक साडा दोस्त आ जिला उकाड़ा दा, विकास ओदा नाम, ते ओ कहंदा मेरे को 3-4 हज़ार दिनार दी इन्वेस्टमेंट आ बहरीन दे विच आके मैं काम करना चाहना, ते की कैफेटेरिया अगर बनाईए अपना ते की ओदे विच बचत हो जाएगी, ते किन्ने दिन लगणगे उसनू, मतलब के सी आर नू, ते उदे बारे थोड़ी इनफॉर्मेशन देनी है। पहले तो यह दसो भी उदी कैफेटेरिया दी रिक्वायरमेंट की होंदी है? वो लग जाना महीने के उत्ते लग जाता है, कभी कभी तो जल्दी हो जाता, लेकिन हेल्थ वगैरह आगे जो चेक करते हैं, कभी कभी अपॉइंटमेंट लंबी दे देते हैं, ठीक, कभी कभी महीना 2 महीने भी लग जाते हैं। यह चीज़ है, यानी टाइम लग जाता थोड़ा, यानी समझ लो कि 2 महीने 2.5 महीने के गेड़ च बनता। हाँ जी, दिन च रखो। सही हो गया। तो अगर एक मिसाल वह इतने आके इन्नी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कि फूड का वो कम कर, फूड असी कि रखिए तो वो कम चल जाएगा साढ़ा? हेलो, सब तो पहले तो कैफेटेरिया उन्होंने बनाना है जी। कैफेटेरिया एक छोटी जी दुकान ही जी उन्होंने बनानी कैफेटेरिया की जी। जो फिर वे लैवल जाएंगे तो फिर ज़्यादा पैसे लगन गए उन्होंने, अगर छोटी दुकान पर करते हैं कम, तो जिनी इन्वेस्टमेंट दसते पे ने अगर वो शुरू भी करें तो शुरू शुरू 200-250 वो ही होंगी है, क्योंकि उस तो बाद फिर ताड़ी लैक बड़ा डिपेंड करता है कि चलती है, तुम किस एरिए बना रहे हो, जैसे लेबर रही है कि नहीं रही कैफेटेरिया, ये ताड़ी लक भी डिपेंड करती है, वो चलेगा तो फिर तो प्रॉफिट आनी है, नहीं कि समझो कि कैफेटेरिया खोले तो नाल ही तुम प्रॉफिट आने लग जाए, वो नहीं जे वो अपने ध्यान च रखो, जिस तरह कंडीशन हूँ जा रही है। सही हो गया। कैफेटेरिया जगह जगह तो कैफेटेरिया खोले ने पाकिस्तानी हूँ, तुम आओगे तो पाकिस्तानी कैफेटेरिया खोलो, देखो जिस एरिए दे विच नहीं है उसे तुम अपनी लक समाओ, लेबर रही हो इंशाल्लाह वो चलेगा, लेकिन जी तुम कहते ना इनकम जी 2000-2500 वो इंज नहीं, वो शुरू तो तुहानू 50-40 दिन प्रॉफिट आए वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नवी दुकान जो रनिंग ही चाहती है फिर आस्ता आस्ता जिस टाइम वो रनिंग दे चल पैंदी है ना, फिर तुहानू प्रॉफिट ज़्यादा होना है, जो जिवें तुसीं चीज़ां वधाओगे अंदर। सही हो गया। खाने वधाओगे तो फिर उस हिसाब नाल, लेकिन शुरू तो तुहानू पता कि ऐसी नहीं तुसीं किन्ना कु वेच लोगे चीज़, कि चीज़ किन्नी वेच लोगे, सही हो गया, आइडिया ना तुहानू आस्ता आस्ता आइडिया होएगा, उस तो बाद टाइम चाहिए। इहदा मतलब यह है कि तुसी जदों दुकान बनाने ये नहीं है कि आंदे ही कम चल जाना, वो किस्मत है चल गया उदों ही चल गया, नहीं तो आस्ता आस्ता चलना, वो टाइम चाहिए लाजमी है जी। पहले एवं तो नहीं बड़े ने क्या, पहले चट्टी फिर हट्टी तो फिर खट्टी। सही भाई नहीं, पहले जेन च रखन भाई जी, पहले मेरा नुकसान हो सकता। सही हो गया, क्योंकि लगते तो तुम नहीं कस्टमर लगने, वो आस्ता आस्ता भी पता लगना जी, इतने फलाने एक ने खानी, दो ने खानी, चार ने रोटी खानी, आस्ता आस्ता फिर बंद पता लगता है कैफेटेरिया है। सही, तो वो थोड़ा टाइम लगना डिवेलपमेंट होने, देखो माशाल्लाह अल्लाह दवे रिस्क और ज़्यादा दवे पिंडी पॉइंट माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है, उतने हर बंदा नॉर्मल रोटी खाता जाके, लेबर बहुत खाती है, सही हो, उनकी पराठे ही बहुत चलते हैं उन्होंने, तो हर माड़े तो माड़ा बंदा 5-6 रुपए की रोटी खा लेंद। सही हो, तो सुबह के टाइम 2-3 रुपए खा लेंगे रोटी, चने लेंगे नाल पराठा लेंगे खा पी के, लेबर चली, लेबर नू ऐसी चाहिए, हूँ तुम इस टाइप का कैफेटेरिया पाओगे लेबर असद बचत मिलती रहेगी। सही हो, क्योंकि अगर अगर तुम दूसरे टाइप का कोई कैफेटेरिया बनाते हो यानी कि बहुत अच्छा, वो फिर डिपेंड करते कस्टमर कि बार अपनी एडवरटाइजिंग करते हो, उस हिसाब में फिर तुम कस्टमर लगना होगा, ठीक, जो तुम यह सोचो कि मैं लावा तो मैं महीने बाद ही पैसे लग जाने, तो वो कोई गल ऐसी नहीं है। अच्छा भाई जी, ए लसेंस का जरा बना सी आर बना उत्ते किन्ना क टाइम वो कहिंदे सी लगदा कि अगर मैं आवां महीने दे विजिट ते उहदे विच विच कंप्लीट हो सकदा या नहीं हो सकदा? वो भाए ना वो विजिट ते वो आन दी बजाय वो बाद जो आन पहले अपना सी आर एस कंप्लीट करवाण। सही हो गया, ठीक है,
क्योंकि विजिट तो जरा बंद आंदा ना एजेंट को पता लग जाता विजिट तो आया तो सीआर बनवा रहे हैं वो छिल ला छड़ देने फड़ के सही है। वो भाजी क्योंकि तुम तो पता ही कोई नहीं है इतों का जो उन्हें तुम कहना कहना बिल्कुल ठीक है जी जी ए फलाने पैसे इतने लगने ने जी क्योंकि किसी जानते ही नहीं इतने ना तुम्हारी वाकफी है ना तुम उसे जाके पता कर सकते कि भी इतने की रिक्वायरमेंट है की चीज़ है वो जो एजेंट ने तुम दसना जी इतने सोद नाल लगना वो तुम काम कराने से सोद नाल देना अक्सर कर देने जे आते हैं उन्होंने कहते मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है हाँ बैंक का अकाउंट नहीं है वह डेढ़ डेढ़ सौ दो सौ ना ले लेंगे उन्होंने बैंक से जो नवा आंदा बंदा अगर इतने रेजिडेंट है उसका वीजा वो अपना अकाउंट खोले अकाउंट ना लवा दे आराम ना खुल जाता वो कोई पैसा नहीं जरा विजिट तो मैंने पता कि भाई विजिट तो भाई नहीं आए हैं तो मैं उसको पैसे कमा सकना तो कोई बंदा माफ नहीं करता सही हो गया सर्वे करके पास करके देना टाइम लग जाना अच्छा जी तो दूसरा एक भाई उन्हें पूछा ये बारे च अपना स्क्रैप के कारोबार के बारे च कि ये सी आर जो बनवाना ये अरबी लाजमी है या कि नहीं लाजमी वो बारे थोड़ा जहा दस दौ भाई यह जी स्क्रैप वाली भैन गल कर रहे हैं वो तो एक दुकान छोटी लैनी हो तो अपना सी आर लवा लो जी वो अरबी नहीं चाहिए ठीक है वह तो करोगे जिस टाइम तुम व्डे लैवल चले जाओगे यार्ड बनाओगे जी यार्ड वगैरह यानी कि वड्डा काम करना है जी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है ठीक करके लाजमी तुम नाल बरी नहीं रखना पैना सही हो अगर छोटी दुकान बनाते हो तुम स्क्रैप दी जी अंदर नहीं चाहिए बरी नहीं क्योंकि छोटे लैवल से काम कर रहे हो हाँ जी नहीं जिस टाइम तुम जाना कहना जी मैं हम वड्डा काम करा कंटेनर तक या अगे पिछ बार वो जरा तुम बरी नहीं रखना पैना ठीक हो गया। अच्छा भाई जी एक होर दोस्त वो है कुवेत डेंटिंग पेंटिंग का काम करता तेन मैं पहले भी दसिया से उन्होंने एक बंदा दस रहा है कहता कि वीज़ा लभ रहा 850 दिनार का ठीक है वो कोई इतने मतलब बंदे रहने उन्होंने तो उत्थे गए हैं तो वह कहता वो दे रहे हैं वीज़ा मैंने 850 मैं उन्होंने कहा भी 700 दिनार तक तो चलो जरा नॉर्मल चलता उस हिसाब ना तो ठीक है लेकिन 850 का महंगा तो वह कहता सी कि अगर मैं इतने विजिट पर आव तो फिर मैं कितने चेंज करा मैं है डेंटर तो क्या मेरे लिए वो सही है या कि मैं पक्के वीजे पर आवा तो सही है सब तो बेहतरीन चीज़ है कि भाई जो नहीं विजिट करना इधर अच्छा बजाय किसी ने पैसे दे दें जी ये विजिट वो कुवैत ही चक्कर है ना उतों आन पाकिस्तान च पाकिस्तान च ने पाकिस्तान जे तो तगड़े डेंटर ने अच्छा काम करते जानते ने हाँ जी क्योंकि उन्होंने पता सानू नहीं पता इतने आन विजिट दे इतने काफ़ी कंपनियां हैं जी काफ़ी गराज ने कंपनियां ने जिन्होंने भी इंश्योरेंसा का काम कर रही कंपनियां वड्डियां इंश्योरेंसा के अपने भी गराज हैं अगर तुम जाके उन्होंने दसो मैं काम करना कुवैत की चनी देर की ट्राई ला के तुम वीजा बदली कर देंगे वो सब तो बेहतरीन है लेकिन अगर फिर भी दिल्ली बंदा जाता यार मेरा नुकसान ना हो जाए तो फिर तुम भाई 700 का वीजा ले लो 680-700 दिनार का मिल जाता वीजा ठीक है वो जो भाई उन्होंने कहा उन्होंने 850 वो उन्होंने हो सकता रूम का इंकलूड किया हो भी साढ़े को महीना देगा रोटी खाएगा हाँ जी असं अपनी जेब च क्यों करिए आसान भी चढ़ जाए 850 दिनार का वीजा दिता नाल महीना से उन्होंने रोटी भी खुवाई या महीना रखे या काम नहीं लगा जिनी देर वो रखे वो अपनी सेविंग 150 दिनार वो कर रही ठीक 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 वह चीज़ बहुत है बंद क्योंकि अपने पलों कोई भी नहीं खुवा ठीक हो गया एक तो भाई उन्होंने 850 लैन गए वो भी अगों पाने वीजा 650-650 का लेंदे ने या 680 का लेंदे ने अक्सर जो काम करते हैं वो है चीज़ है वो उत्तों जो वे पैसे ने अगले दिन भी तुम एक सवाल बंद ने तुम किया कि जी मेरे रिश्तेदार ने उन्होंने मेरे को इन्ने पैसे लेने हाँ जी उन्होंने भी यह चीज़ इंकलूड की भी यह महीना रहेगा या दो महीने रहेगा असं रूम के रेंट के पैसे भी ऐसे सही ले लीजिए पहले ही सही फिर रोटी खाएगा 20-22 दिन वो उन्होंने उस हिसाब से कैलकुलेशन किया 2 महीने भी देना पे 3 महीने चौथे महीने अं कहेंगे यार हूँ तो कोई अपना काम कर बराबर हो गया वो यह चीज़ हैगी तो जो तुम रिश्तेदार बहुत ने अच्छे ने तो वह यह चीज़ हैगी वीज़ा लैना तो वीज़ा लैके आ जाओ वीज़े जो है तुम साल
लेकिन अनविजिट वीज़ा जो है ना वो नहीं दे रही गौरमेंट, वो 15 दिन का वीज़ा देंगे ने तो वह कई एजेंट कढ़ाते हैं, तो बड़ा पहले वाली सिचुएशन नहीं तंग हो गए, वो फिर 15 दिन बाद फिर तुम एक्सटेंशन कराया नहीं पेगी तो वह फायदा नहीं, वो बहुत महंगा मैं जो ट्रांसफर करना साढ़े दिन वो भी लगने, तो अच्छा वीज़ा तुम ले लो वो बेहतरीन ऑप्शन है करना। ओके जी बहुत शुक्रिया भाई जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई गल हुई तो फिर ध्यान रहा करें, कोई गल नहीं हाजिर और बहुत शुक्रिया जी। ओके नाजरीन आज की वीडियो इन्नी की सी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो फिर दोबारा नए टॉपिक के नाल मिलेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगे उन्होंने लाइक करना, चैनल में सबसक्राइब करना, तो अगर कोई किसी किस्म का सवाल हो कमेंट सैक्शन तुम पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला तुहानू रिप्लाई करांगे। ओके जी रब राखा।